तो वहां दो तीन केस अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, 2a लंबाई। हाँ अच्छा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2a व 2b भुजाओं वाले वाले व कैपिटल M द्रव्यमान के अच्छा मैं लैंग्वेज लिख ही देता हूँ, 2a व 2b भुजाओं वाले तथा कैपिटल M द्रव्यमान के एक समान आयताकार पटल का उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना जो अब इसमें तीन अलग अलग सिचुएशन पड़ेंगे, जो 2a के समांतर हो, जो पटल के केंद्र से गुजरे वह टू ए के समांतर हो। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला आर्टिकल था। क्या दिया है कि 2a व 2b भुजाओं वाला कोई रेक्टेंगुलर लेमिना दिया है, आयताकार पटल दिया है। अब आयताकार पटल दिया है और आयताकार पटल का अपने को मास दिया है कैपिटल M, अपने को जड़त्व आघूर्ण निकालना है। सबसे पहले तो पटल जड़त्व आघूर्ण जो निकालना है वो उस अक्ष के कोरस्पोंडिंग निकालना है, उस लाइन के कोरस्पोंडिंग निकालना है जो पटल के केंद्र से गुजरे और 2a के समांतर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इसके डायग्राम के ऊपर चलते हैं। जैसे ये डायग्राम अपन बनाते हैं, ये एक आयताकार पटल है, ये इसका केंद्र है, ये अक्ष मान लो एक्स डैश ओ एक्स, तो एक्स ओ एक्स डैश एक्स हो गया और ये वाई ओ वाई डैश एक्स हो गया, राइट। अब मैं मान लेता हूं कि भाई ये जो टोटल लंबाई है वो तो 2a है, तो इधर की भी a हो जाएगी और इधर की भी a, तो टोटल लंबाई तो कितनी है, ये 2a है। अच्छा, ये केंद्र से गुजर रहा है तो ऑटोमेटिक ये भी a हो गई, ये भी a, और ये टोटल चौड़ाई है वो 2b है, टोटल चौड़ाई है वो कितनी है 2b, तो ऊपर वाली भी b हो गई और नीचे वाले भी b हो गई। सबसे पहले तो 2a के समांतर ये 2a है, तो 2a के समांतर है, 2a के समांतर जो रेखा है ये रेखा, ये जो एक्स ओ एक्स डैश है वो पटल के केंद्र से गुजर रहा है और 2a के समांतर है, तो अपने को इसके कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ कि माना, अच्छा इसको ए बी सी डी नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी, माना ए बी सी डी एक आयताकार पटल है जहाँ ए बी का मान वो तो हो गया 2a और ए डी का जो मान है वो हो गया 2b। ठीक है, लेंथ भी हो गई और इसकी चौड़ाई भी हो गई। हमें 2a के समांतर वह पटल के
केंद्र से गुजरने वाले अक्ष, तो 2a के तो समांतर है और केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है XOX, गुजरने वाले अक्ष XOX के परितः है, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। XOX के कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। अब जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैं क्या करता हूं कि इसको 2a के समांतर बहुत सारी पतली पट्टियों में विभाजित मान लेता हूं और इनमें से एक पट्टी लेता हूं, मैं ये वाली पट्टी ले लेता हूं, मैं ये अल्पांश पट्टी का, ये हो गया इसका P Q R S। अल्पांश पट्टी का इस प्रकार से लिया कि ये इस वाले अक्ष से XOX अक्ष से Y दूरी पे है, कितनी दूरी पे है Y, और इसकी मोटाई जो है वो कितनी है डेल्टा वाई, वाई दूरी पे और डेल्टा वाई। अच्छा लंबाई कितनी होगी, लंबाई तो ए बी के बराबर होगी, तो लंबाई तो 2a हो जाएगी और मोटाई कितनी हो जाएगी डेल वाई। तो मैं लिखता हूँ यहाँ जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आयताकार पटल को XOX के समांतर अनेक पट्टिकाओं से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। अनेक अल्पांश पट्टिकाओं से, ऐसे लिख देते हैं, अल्पांश पट्टिकाओं से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसी पट्टिका लेते हैं, हमें XOX अक्ष से Y दूरी पर डेल्टा वाई मोटाई की एक अल्पांश पट्टी का PQRS लेते हैं ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो अल्पांश पट्टी का PQRS लिया था, सबसे पहले तो इसका मास लेंगे और फिर जड़त्व आघूर्ण ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पट्टी का यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकती है, तो ऊपर वाला प्लस बी और नीचे वाला माइनस बी, तो माइनस बी से बी तक इसका इंटीग्रेट कर देंगे और अपने को क्या मिल जाएगा, संपूर्ण आयताकार पटल का XOX के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार आप इसको करो, कोई भी दिक्कत आई तो बताना आप। इसमें यहां तक चले, देखो तो सबसे पहले तो ये जो पट्टिका ली है उसका मास निकालना मेरे को, तो मैं यहां लिखता हूं
आयताकार पटल का क्षेत्रफल, आयताकार पटल का क्षेत्रफल कितना होगा? 2a into 2b कितना हुआ? 4ab। अरे भाई लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया ना, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल। तो मैं यहां लिखता हूं, अच्छा इसके अलावा तथा अल्पांश PQRS का क्षेत्रफल, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना हुआ भाई? इसकी लंबाई तो 2a हो गई और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? डेल्टा y, तो 2a डेल्टा वाई, ये अपना क्षेत्रफल हो गया अल्पांश का। 2a लंबाई और डेल्टा वाई क्या हो गई? चौड़ाई। तो मैं यहां लिखता हूं अभी, अच्छा टोटल मास कितना है कैपिटल M में? तो यहां लिखता हूं 4ab, 4ab क्षेत्रफल का द्रव्यमान, 4ab क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना हुआ? कैपिटल M। तो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैपिटल M अपॉन 4ab, इसलिए अल्पांश PQRS का द्रव्यमान, अल्पांश PQRS का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कैपिटल M अपॉन 4ab। भाई ये तो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो गया और अपने को इतने क्षेत्रफल का द्रव्यमान चाहिए 2a into delta y, क्योंकि 2a into delta y है वो क्षेत्रफल किसका है? PQRS का। तो यहां गुणा में कितना आ जाएगा? 2a into delta y और आ जाएगा, तो ये m upon 2b और यहां delta y। आप देखो इसको राइट, m upon 2b delta y, ये अल्पांश PQRS का द्रव्यमान हुआ। क्योंकि जब भी अपने को जड़त्व आघूर्ण निकालना होता है तो जो भी अपन अल्पांश ले रहे हैं उसका मास निकालना पड़ता है, और जिस अक्ष के कोरस्पोंडिंग जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं उससे लंबवत दूरी भी चाहिए। तो अल्पांश का द्रव्यमान आ गया कैपिटल M अपॉन 2b डेल्टा वाई। अच्छा ये जो अल्पांश है उसका एक्स ओ एक्स डैश से लंबवत दूरी कितनी है? वाई। लिखता हूं अतः अल्पांश PQRS का एक्स ओ एक्स डैश के परितः है जड़त्व आघूर्ण। देखो जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? मास कैपिटल M अपॉन 2b इंटू डेल्टा y, मास और लंबवत दूरी कितनी है? y, तो लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो मास तो कैपिटल M अपॉन 2b डेल्टा वाई और लंबवत दूरी कितनी हो गई? y, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा तो आप इसको कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मेरे को उठाना पड़ेगा ये, क्योंकि अभी अल्पांश PQRS का जड़त्व आघूर्ण आया है। इधर से हटा देता हूं मैं थोड़ा, अल्पांश PQRS का एक्स ओ एक्स डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण M अपॉन 2b डेल्टा y, और जो लंबवत दूरी है y, तो y का स्क्वायर। ओके लिखता हूं अतः संपूर्ण, अतः संपूर्ण आयताकार पटल का एक्स ओ एक्स डैश अक्ष के परितः है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। तो
तो संपूर्ण आयताकार पटल का निकालना है, तो ये पट्टिका यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकती है। तो ये तो दोस्तों जैसे O को मूल बिंदु माने तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो 2B लंबाई है तो B लंबाई ये हो गई और B लंबाई ये हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक अगर इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा माइनस B से लेकर B, और ये कितना है एम अपॉन 2B डेल्टा वाई इंटू वाई स्क्वायर। एम अपॉन 2B तो कॉन्स्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, माइनस बी से बी। अच्छा ये डेल्टा वाई जो था वो डी वाई में कन्वर्ट हो जाता है जब समाकलन करते हैं तो, और ये डी वाई। अब इवन फंक्शन है अपना और माइनस बी से बी लिमिट है तो 2 आगे आ जाएगा, और वो जो 2 आगे आएगा ये इसको कैंसिल कर देगा, और ये जो लिमिट बन जाएगी 0 से बी वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये बना एम अपॉन बी, और वाई स्क्वायर का बना वाई क्यूब बाई 3 जीरो से बी, तो एम अपॉन 3B इंटू बी क्यूब, लोअर लिमिट तो 0, तो ये बन गया दोस्तों 1/3 mb square। तो ये जड़त्व आघूर्ण का मान आया 1/3 mb square। जब आपने एक्स ओ एक्स डैश एक्स के परिते जड़त्व आघूर्ण निकाला तो 1/3 mb square आया। तो आप करो इसको, ये संपूर्ण आयताकार पटल जो है ABCD, संपूर्ण आयताकार पटल के साथ में अपन ये भी लिख सकते हैं ABCD, ABCD का एक्स ओ एक्स डैश के परिते जड़त्व आघूर्ण का मान आया 1/3 mb square। और जब इसका सेकंड आर्टिकल अपन करेंगे जिसमें आयताकार जो ये पट्टिका ली है अल्पांश पट्टिका उसको इसके समांतर मानेंगे, 2B के समांतर मानेंगे, तो जब 2A के समांतर मान रहे हैं तो यह B आएगा, और जब मैं 2B के समांतर मानूंगा तो इतना ही आएगा, आंसर ये आएगा कि 1/3 m आएगा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला आर्टिकल मैं बताऊंगा उसमें करेंगे, फिलहाल तो आप 1/3 mb square कीजिए। याद रखना कि आपने निकाला है एक्स ओ एक्स डैश एक्स के परिते जड़त्व आघूर्ण, तो वो आया है 1/3 mb square। लंबाई कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, लंबाई 2a थी, तो 1/3 mb square। इसको याद भी रखना आगे के लिए, और मैं सेकंड इसका जो पार्ट है वो भी जल्दी आपको बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।